इहवां से बात का शुरुआत हो गई। चाहे त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, हम कहिला की बात पर बात ना कहला से बात रोवेला, बात पर बात ना कहला से बात रोवेला, आ दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। हम कहिला की बात पर बात ना कहला से बात रोवेला, दिन में कीच काच होला त रात रोवेला, आ दुल्हन के तनो सुघर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे त बरात रोवेला। बतावत रही कि द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, लड़ाई तो लड़ाई होखल बाबा, और कुल के कुल खानदान के खानदान साफ हो गई। त्रेता युग इतना द्वापर के बात समझ, कौरव पांडव से लड़ाई हुई जबकि एक ही खानदान थे, दोनों एक ही खानदान के थे, एक ही कुल के थे, लेकिन एगो लड़ाई का हमहू बात बतावतानी। ओहर भीष्म दादा के प्रतिज्ञा भगवान कृष्ण तोड़वा दियलन, भगवान कृष्ण कभी प्रतिज्ञा भीष्म दादा तोड़वा दियलन, लेकिन देखा एहर प्रतिज्ञा एगो बाप अपनी बेटा के तोड़वा दे। बाप बेटा का प्रतिज्ञा, बाप अपने बेटा के कैसे प्रतिज्ञा तोड़वा होता, तनी बात समझ ला। यही से बात की शुरुआत हो गई है दोनों के बीच से। एक बाप अपनी बेटा की प्रतिज्ञा को भंग करता है, कैसे? मूल चीज कहानी कहानी दिमाग से हट जाई, ओम प्रकाश यादव के बिरहा सुनल व्यर्थ हो। बिरहा का शुरुआत यहीं से हो, कहां से? रावण को हुआ घोरी समसान, तरुणी से न चला ले कर में धनुषा बाण, रावण का लंका या श्मशान हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाणों से लंका के सारे वीर मार दिए गए। आज रावण अपनी राजमहल में बैठकर सोच रहा है कि ओ लंका वीरों से खाली हो गया, सारे वीर मार दिए गए, तो आज मुझे चलना है। उठा लिया धनुष और बाण, राजमहल में चहलकदमी करने लगा। सोच रहा है कि आज चलूंगा लड़ाई के मैदान में और राम को मारूंगा। लेकिन तब तक उसके दिमाग में एक बात आ गई, यार अगर आज का दिन, आज का दिन कोई ऐसा वीर होता मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, कि आज की लड़ाई अगर संभाल लेता तो कल से इस दुनिया में, इस धरती पर मुझे मारने वाला कोई नहीं है। अभी यह रावण सोचत बा, तब तक एगो छोट लड़का, रामायण में जेकर उम्र बतावल बा 4 से 5 बरिस 6 बरिस, छोट लड़का आइल बा
आ रावण के सष्टांग दंडवत कैले बा। सष्टांग दंडवत करके बोला कि पिताजी मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ और जाऊंगा मैं आज लड़ाई के मैदान में, मैं जाऊंगा देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है, देखूंगा। कहा रावण की शाबाश, जौन रोगिया चाहे तौन बैदा बतावे। लड़िकवा आवाज देत बा, कहले बाकी कौन है वीर बागी बहादुर बना, जो मिटा डाला मेरे वतन की मर्यादा, मान सम्मान कुल का हनन कर दिया, मेरे कर से हुआ मरने को यमादा, चल पड़ा तरुणी उल्लास मन में लिए, चल के माता के चरणों का लूंगा प्रसादी, जहाँ समर बीच में आकना है मुझे, राम सेना की कितनी है बाकी आबादी। कहा कि मैं बाकी हूँ जा रहा हूँ और देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है, जवन रोगिया चाहे तवन बैदा बतावे, राम कालज की शाबाश बेटा, यह तो हम चाहते रहली। रावण आशीर्वाद दिया है कि विजयी भव, प्रतिज्ञा कह ली हलस तरुणी सेन, तरुणी सेन लड़के का नाम बताया गया तरुणी सेन, वो लड़का 5 वर्ष के लड़का के नाम का रामायण में बतावल गई तरुणी सेन, केकर बेटा रहे, बाप का नाम का बा विभीषण, मतारी का नाम बा शर्मा। जे भाई रामायण पुराण पढ़त हो ध्यान दिया, विभीषण का बेटा था वो छोटा सा 5 वर्ष का लड़का तरुणी सेन, रावण से आकर के दरबार में आशीर्वाद लेकर के राम को मारने के लिए चला है। आ जब राम के मारे खाती चलल तो कुछ दूर गई, देखत भाई अपने मतारी के सुचलस की रावण से आशीर्वाद ले ली है ली, चल के तनी मयो से आशीर्वाद ले ली शर्मा से, शर्मा के लगवा गई बा, जाके दोनों पैर छोले बा, माई पूछत बे कि बेटा कैसन, कहाँ चल दिया है, कहाँ जा रहा है, कालस की जा रहा हूँ राम को मारने के लिए, मेरा बाप, अरे मेरा बाप गद्दार हो सकता है लेकिन मैं गद्दार नहीं बनूंगा, जाऊंगा राम को मारूंगा। मतारी टुकुर टुकुर लड़का का छोट मुंह देखत बे, सोचत बे कि अरे जेवना भगवान के हमनी के दोनों प्राणी पति पत्नी जिंदगी भर भक्ति के लिए जा, अब वही भगवान के ही मारे खाती जात हो, माँ नहीं चाहते हुए भी बेटा को आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद। अच्छा देखा इतना लोग बैठल हुआ, माई में मेहरारू में अंतर कहाँ हो, माई में मेहरारू में सबके माई जेकर हुई घर में, मेहरारू तो करीब करीब सबके हुई, लेकिन माई या मेहरारू में अंतर का बा, माई मेहरारू में तने अंतर बा, जेकर माई घर में हुई मेरा लिखी ओम प्रकाश गलती कहता हूँ कि सही, लड़का लाख कमवैया बा रोज लाख 2 लाख कमाता, लेकिन अगर माई जियते घर में बिया तो लड़का के न्यू ले जाई तो माई पेटवे निहारी, हमार लाल खैले बाकी ना जाइब, तो कही कि सुनो जाइब, कब माई ठीक पड़ी कहू कि सुन 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 आई जाइब तो हमार देहिया धके सुघुराई, कई कि रतिया के खा लेना दूध उध मिले ला कि ना, जबकि जानत है कि करके के खाए पिए के कोनो कमी नहीं खे, लेकिन माई का ममता, तो माई अगर घर में जियत है चाहे हमार माई हो के तहार माई हो के केनियो ले जीव तो माई पेटवे निहारी, मेहरारू मेहरारू जईब घर में कुर्ता खोल के टंग बोरती कही जब केनियो ना लोग तो कबो हेवना पाकिट में हाथ लगाई, कबो हेवना पाकिट में हाथ लगे जवन कुछ रही ले के बड़का वो निकेरन चेठ मुगल सरा के चाहिए लोग के नाकाम है।
तो माई या मेहरारू भी अंतर माई पेट निहारी मेहरारू पाकेट निहारी माई का ममता नहीं चाहते वह भी बेटा को आशीर्वाद देती है तरुणी से चलल बा माई का आशीर्वाद लेके जमे कुछ दूर और आगे बढ़ल बा तले सीता जी फूल गुदत रहे नजर पड़ गई लड़का को स्वभाव देखा सोचत बा कि ये भाई रावण से आशीर्वाद ले लिया माई से आशीर्वाद ले लिया तनी चल के सीतो जी से आशीर्वाद ले ली ए मन बढ़ू के देखला जाता राम से लड़े या सीता जी से आशीर्वाद मांगे जाता गईल सीता जी के लगे जाके दोनों पैर पकड़ ले बा सीता जी फूल छोड़ के तिकवत है इन बेटा के छोट लड़का बाटे हाथ में छोटी गो धनुष पीठ पर छोटे छोटे बांध तरकस में कली के किसका बेटा है हाथ जोड़कर कहा कि माँ मैं विभीषण का बेटा हूँ आए है, है सीता जी दोनों हाथ फैला दिए कहे कि तो तू उतना दूर क्यों खड़ा है रे तू मेरे भगत का बेटा या आ मेरे गोद में एक बार बैठ जा तो कहा कि है माँ तेरे गोद में बैठने के लिए नहीं आया हूँ जा रहा हूँ लड़ाई के मैदान में मेरा बाप लंका के साथ गद्दारी किया परिवार के साथ गद्दारी किया लेकिन मैं गद्दार नहीं कहूंगा जाऊंगा जा करके देखूंगा कि राम के बांदरी सेनाओं में कितना ताकत है सीताजी टुकुर टुकुर मुंह तिकोते ही कहलस कि हम बैठे नहीं कि आई हमके आशीर्वाद दे जात पानी लड़ाई के मैदान सीताजी कहलिन कि और बन रहे भगत का बेटा लड़का के देख के कहलिन कि जाओ आ गर्दनिया में माला पहनले रही एक ठे मलवा निकाल के वही लड़का के गर्दने में पहना दिया कहलिन कि जाओ बेटा मैं वरदान देती हूँ कि जब तक ये मेरा दिया हुआ माला तेरे गर्दन के अंदर सुरक्षित रहेगा धरती का कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुमको मार सकता है हेल गेल भैंस पानी में लड़का चलल बा लेकिन बार छोट लड़का के शरीर में एकदम बारूद का गोला बा झूमत चलल बा छोटी को बांध छोटे को धनुष हाथ में लिहले इहे गाना गावत चलत बा का गाना गावत बा ये कहत बा कि अरे कोई बेटा लंका सुन हो गया कि कोई बेटा कहने वाला नहीं 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 कोई जैसन झलके लगी हमारे बिरहा जैसे शीशा में सूरत लौकेला साफ साफ सबके समझ में चली आई छोट लड़का हर से लड़ाई के मैदान में जाता ओहर से ओकर बाप विभीषण लवट के आवत रहलन देखलन कहवा
लड़का के देखलन जात हो लड़ाई के मैदान के और कलन की कहा रे कहलस की तू लंका के साथ गद्दारी कैला राम परिवार के साथ गद्दारी कैला हम गद्दार ना बना इतिहास के पन्ना में गद्दार में नाम नहीं अंकित कराई जात है राम के मारब देखब कि राम के देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है। विभीषण कहलन के और बन गल हो हमरे बेटा जिंदगी भर भक्ति कैली भगवान के चरण में सर झुकवली हमार बेटा सर्वा दुश्मन बन गई भगवान सोचा था उन पतियावत पतियावत लगे पहुंच गए पांच बरिस के लड़का तरमीसन के लगे पहुंच गए देखलन के गर्दन में बड़ा सुंदर माला पहनले नजर वही माला पर टिक गई पूछ बैठलन विभीषण बाप होके का पूछलन सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है पहनकर माला अपने गर्दन को सजाया है। कहलन की जो हम रोकब ना लेकिन ये बता दे बेटा कि इतना सुंदर माला कहाँ मिलल लड़का लगल हंसे कलश के बाबू कलश के बाबू बाजार का कछवा बाजार के 10 पैसिया खरीदल माला ना है बाजार का मेला बाजार का माला खरीदल ना बाबू सीता जी का देल बा कलम भी भीषण की हाँ कलश की यहाँ मत करा कलश किया मत करा सीता जी का देल माला बा और सीता जी का वरदान बा जब तक हमारे गर्दन में माला रही धरती के कहू पीर मरबे न करी विभीषण के पारे हाथ धक के बैठ गई कलन की और बन गल जवनी सीता खातिर हमर भगवान भगवान कपारे पर हाथ धक के बैठल उन रोत हूं रोवे लगलन रोवे लगलन कलन की बा जवने सीता खातिर हमर भगवान दर दर कर ठोकर खेल पेड़ से पौधा से रोवे पूछे हे खग वृंद हे मधुकर श्रेणी हे खग वृंद हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने और वे सीता जी दुश्मन के वरदान दे दी हले बाहरे बाप ऐसनो बाप रहलन त्रेता युग में कलन के ऐसन ऐसनो बाप धरती पर हलन कलन के ए बेटा एक बात सुन ले सीता जी का वरदान बा कि तोरे गर्दन में जब माला रही जब तक तो के केहू न मारी तो हम तोर बाप है तो हमार बेटा हुए कलस की मतलब कलन की मतलब यह हो कि हमार अनुभव ज्यादा बा बेटाई गर्दनिया में मलवा पहन के जात हुए लड़ाई के मैदान में लड़ाई के दरमियान झटका लगी चट दे मलवा टूट जाये या पट दे तू मरा जेबे फट दे भीतर हो जेबे ई के लिख ले तुलसीदास बारे तुलसीदास के साडू भाई कलन की मरा जेबे ई मलवा हम के दे दे निकाल के ये माला का हम तोर बाबू है ये ही ये मलवा का हम अपने पाकिट में रख ली नहीं माला टूटी न तू मरे बे देखिए बाहरे बाप बेटा के साथ ही गद्दारी कर रहा है लंका के साथ तो गद्दारी किया परिवार के साथ गद्दारी किया बाप अपने बेटा के साथ गद्दारी कर रहा है लड़का बात का समझत बाकी बाहरे बाबू सब समझत पा हंसत पा लेकिन अज्ञाकारी पुत्र था भीषम ए भीम का बेटा तरुणी से अज्ञाकारी था पिता की वचन को कैसे उल्लंघन होते होने देता गर्दन से माला निकाला है हंसते हुए बाप के हाथ में रख दिया चला है आज जब चलल बा एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरी बांदरी सेना लेकर खड़ा है एक तरफ लड़ाई के मैदान में छोटी गो लड़का जाके खड़ा होत बा भगवान के सामने हाथ में छोटी गो धनुष आ छोटी गो बाण लेके जाके जब खड़ा भइल बा ललकार के भगवान से कहले बा का कि रावण की बगिया लूट गई रावण
की मरिया लौट गई, कोई बेटा कहने वाला नहीं छोड़ी मेरा भगवान के नजर पड़ल कहलन के रे समझ गए भगवान की लंका वीरों से खाली हो गया, इसीलिए तो आज लड़ाई के मैदान में मेरे सामने एक बच्चा रा करके खड़ा हुआ है। लड़का के देखलन भगवान के दिल में दया आ गल, भगवान लड़कवा के समझावे लगलन। आज समझा के एक बात कहलन, कहलन का कहलन ये समझावत हूं का कहलन कि अरे उमरिया बारी बागी बबुआ, ए भैया उमरिया बारी बागी बबुआ, कहे श्री राम राढ़ राढ़ी ना कर सहरिया। कलन की बेटा मैं लड़कों से लड़ाई नहीं करता, तू बच्चा है, समझाओ थे उनकी बेटा तू बच्चा है, तेरी उम्र लड़ाई करने की नहीं है, तेरी उम्र माँ के गोद में, माँ के गोद में आंचल में बैठ करके दूध पीने की है, माँ के गोद में बैठ कर खेलने की है, जाओ जाओ मैं तुम पर बाण नहीं चलाऊंगा। इतने तो भगवान कहबे कैलन, ललकार कर तब तरुणी बोला, अरे ललकार कर तब तरुणी बोला, क्या समझ रखा है मुझको तू, पानी है तो आगे आवाज बता दू कि कैसा मैं हूँ। कलश की ए भगवान प्रणाम करत पानी पहले, लेकिन तुहार प्रवचन सुने खातिर लड़ाई के मैदान में ना आई है, धनुष पर बाण चढ़ा लिया बाबा, छोटा सा लड़का धनुष पर बाण चढ़ा के कलश की चलाइबा की चलाई, भगवान हंसे लगलन, लड़का के देख के हंसे तो कहता कि हंसा मत, चलाइबा की चलाई। तो ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने, हाथों में धनुषा बांध लिए, लड़का है तो क्या दुश्मन है धनुषा पर बाण चढ़ा लिए, लड़का है तो क्या दुश्मन है लड़ाई के मैदान में ललकारता है तो मारना मेरा फर्ज है। लेकिन फिर धनुष बाण हटा लिया, हसत हूं देख के कि वाह जरिए विभीषण खड़ा रहलन, एको बेर विभीषण ही ना बतावत हूं कि प्रभु जी हमारे बेटा हो, और विभीषण से भगवान कहलन तरज बा का तरज के लाइन बा, वह तरज बाकी आई हो दादा, अरे आई हो दादा कैसन पियावा के चोरी, लेकिन तनी बात समझ ला, भगवान विभीषण से बतावत का कहलन हो, अरे हो ई देखो हो ई देखो ई त लइका खुबिया मा, बतावत हूं भगवान तब तक लड़िकवा बोल पड़ल बा, का कहले बा लड़िका, कहले बा की ताकत को आज दिखाने की बात है, कहलस की ताकत को आज दिखाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है वो लड़ाने।
में आ गए, धनुष पर बाण रख के सोचत हूँ मारी कि न मारी, मारी कि न मारी, धनुष पर बाण रख ले हूँ सोचत हूँ कि चलाई कि न चलाई, चलाई कि न चलाई। तब तक वो छोट लड़का 5 वर्ष के कहलस का कि अरे देखा देखा उठा लिया लड़ाई यार पार की छिड़ गई। कभी जी तन पीरस चढ़ा के दिहलन का कि अरे लड़े हैं भाई लड़े हैं दोनों पीरस समर में सा बालक 5 वर्ष का तरुणी से एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम लड़ाई आर पार की है। इतना बिरहा सुने वाला भाई जे भाई रामायण पुराण पढ़त वो पता चलेला प्रमाण मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जब बाण चलाते थे छोटा सा 5 वर्ष का बालक तरुणी सेन केवल 3 कदम पीछा हटता था। लेकिन जब तरुणी सेन उठा करके बाण चलाता था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान 4 कदम पीछे हट जाते थे। आज सोचे पर मजबूर हूं, सोचने पर भगवान मजबूर है कि बात क्या है। कभी जी बात लिखलन है हमर बिरहा का अंतिम प्रमाण बा, लेकिन पूरा बिरहा के निचोड़ इतने में हो ध्यान दिहन। एक तरफ तरुणी है, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम लड़ाई यार पार की है। नतीजा निकला क्या?
छोन बाण चलावा है अब और तरुणी सन हंस रहा है चलाइए प्रभु बाण मारिए बाण मारिए अब आख है भगवान सोच रहे हैं कि अरे अरे बड़े बड़े वीरों को संहार कर दिया लंका वीरों से खाली हो गया और आज बहुत शर्म की बात है कि एक छोटा सा बालक मुझसे नहीं मारा जा रहा है एक छोटा सा लड़का मुझसे नहीं मारा जा रहा है। जरिए विभीषण रहलन कलन के विभीषण भगवान पूछ बैठलन की विभीषण अरे इतना बड़े बड़े वीरों को मैंने संहार किया लंका वीरों से काली हो गया आज मुझसे एक छोटा सा लड़का नहीं मारा जा रहा है और जब जब लंका की कोई समस्या आई है तो मैंने तेरा सहारा लिया है विभीषण आखिर बात क्या है ये लड़का क्यों नहीं मारा जाता है विभीषण कलन की मरई वो न करी कलन की मरई वो न करी भगवान कलन की काहे विभीषण कलन की प्रभु बता दे कलन की बतावो न तो इज्जत गई ले बा कलन देखे देखे एक बाप को बारे बाप ऐसनो बाप रहलन धरती पर ऐसनो बाप धरती पर रहलन कलन विभीषण की प्रभु हाथ जोड़ के कलन की प्रभु एक बात सुन ला लड़का कबो न तोसे मराई कलन की काहे कलन की जवनी लड़का पर तू बाण चलावत हो करे रोम रोम में राम बसत हो बाण तो मारत हुआ बाण लड़का के लगे जात भी बा लेकिन लड़का के लगे जात पर जब राम देखत हो करे रोम के अंदर रोआ के अंदर राम राम देखत हो बाण वापस लौट के चली आवत हो रामे राम के कैसे मरिहन रामे राम के कैसे मरिहन भगवान कलन की कोनो उपाय बतावा कलन के एक उपाय हो एक उपाय बा देखें एक बाप ही अपने बेटा के साथ दूसरी गद्दारी कर दिया विभीषण बेटा के साथ दूसरी गद्दारी कर दिया का कहलन पूरा बेटा के मौत के पूरा भेदवे खोल दिया का कहलन कि ऐसन बाला मारा भगवान तरुणी चला सुबारा खोल दियलन कलन की ऐसा बाण चलाइए प्रभु ये छोटा सा लड़का उड़ करके आकाश में चला जाए और जब आकाश से धरती की ओर गिरेगा तो आप उसके तालवे का निशाना लेकर के पैर का जो तालवा है उस तालवे का निशाना लेकर के दूसरा बाण मारिएगा जब तक लड़कवा के तालवा में बाण ना लगी तब तक लड़कवा कब्बो केहू से मरेबे न कर आय हाय हाय भगवान का सुनले का देर हो कलन की विभीषण बतौलन हम कि लड़का के तालवा में दूसरका बाण मारा जब तक बाण न मरवा दूसरका बाण न लगी लड़का के तालवा में अमृत वास करत बा भैया हो सुनले का देर रहल भगवान का मरलन हचाक से बाण लड़का छोटा सा तरुणी से आकाश में उड़कर चला गया आकाश से ही आवाज लगा रहा है प्रभु मैं ऊपर हूँ बाण चलाइए प्रभु मजाक कर रहे कहे कि प्रभु ऊपर मैं हूँ बाण चलाइए जब ऊपर से नीचे धरती की ओर गिरने लगा तब तक भगवान अब घुटने का ठेहुने का सहारा लिए बैठ गए धरती पर यही पोजीशन है क्या बात है यही पोजीशन ले करके और लड़का के तालवा का निशाना लगाए हैं दूसरा बाण
चलौलन मरलन हचाक से। आखिरकार भगवान दूसरा बाण मरलन हचाक से तरुण सेन के तालवा में जाके लगल। जब तालवा में लगल बा हाय राम हाय राम, खून की धार बह चली। और हुआ क्या बाबू कि बनवा के लगत ललन गिर गई सा लड़का। तरुणी सेन हाय राम कहते हुए खून की धार बह चली, धरती पर गिरा है लेकिन आवाज दे रहा है हाय राम, करा रहा है हाय राम, मौत सामने नाच रही है हाय राम हाय राम। कितनो नत विभीषण बाप रहल, इतना लोग बाबू बैठल उन बिरहा सुने, या हम हुई या आप लोग हूं, एक बाप इस बात को इस दर्द को सोच सकता है कि एक बाप के सामने एक बेटा मौत के लिए तड़प रहा हो, एक बाप के सामने एक बेटा मौत के लिए तड़प रहा हो, कितना हो बाप का पत्थर का करेजा होगा, अरे क्यों नहीं मोम बन जाए। दौड़ पड़ा विभीषण, दौड़ पड़ा जा करके तरुणी सेन को गोद में ले लिया। एक टक तरुणी सेन अपने पिता को देख रहा है, खून की धार बह रही है, खून से लथपथ तड़प रहा है, लेकिन आवाज यही दे रहा है कि हाय राम हाय राम। एक आवाज आई बेटा की बाप से, एक बेटा की बाप से आवाज आई मरते वक्त की, बाबू बहुत देर कह दिया लेकिन जहां तू रहला। रोक करके कहता है तरुणी सेन के पिता, जहां आप थे आप भी अपने जगह से ठीक थे, तो मैं भी कहीं था तो वहां अपने जगह से ठीक था। मुझे माफ कर देना, मैं आपका बेटा होते हुए आपका साथ नहीं दे पाया, मेरी दुर्भाग्य है, लेकिन मैं वचनबद्ध था। रो रहा है बेटा, तरुणी सेन के आंखों से झरझर झरझर आंसू चल रहा है, रोता हुआ तरुणी सेन एक बेटा अपनी बाप से अंतिम इच्छा प्रकट करता है, और यही कह करके हाय बाबू ये कह के अब बेटवा बाबू के गोदी में ही दम तोड़ दिया। विभीषण रोने लगा, बेटे की लाश को लेकर के चूम रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विभीषण रो के एक बात कहलन, रो के का कहलन बाबू, रो के ये कहलन, लेकिन विभीषण रो के एक बात कहलन, का कहलन कि रो ललन विभीषण, भगवान अवाक होन की का विभीषण के कहने से इस लड़का का मैंने वध किया मारा,
रणभूमि में मार कर गिराया और कितना बड़े बड़े वीरों का मैंने संहार किया। रावण के कितने लंका के वीर मारे गए, लेकिन विभीषण के आंखों में आज तक मैंने आंसू नहीं देखा। ये बात क्या है, किसी के कहने से लड़का को मारा गया और फिर जा करके ये लड़का उस लड़का विभीषण जा करके उस लड़का की लाश लेकर रो रहा है। दौड़ पड़े, बात क्या है, दौड़ कर गए विभीषण के सामने, कहे कि विभीषण बात क्या है। विभीषण रोत हुआ, भगवान के दिखलन आई। विभीषण लड़का के बेटा के लाश धरती पर रख के खड़ा हो गयलन, भगवान के सामने सर झुका लियलन, हाथ जोड़ के कहलन कि प्रभु रोत बानी यही से कि करेजा ना मानल और जीवनी बेटवा के तू बद कैला, ई बेटवा दूसरे के ना है, बेटवा हमरे है प्रभु, ई बेटवा हमरे है। अरे बाप रे बाप, भगवान के पैर के नीचे से धरती खिसकने लगी। सोच गए कि ये तो अनर्थ हो गया, सोचना लगे कि तो मैं अनर्थ कर दिया। जा करके दुनिया में मैं लोगों को क्या संदेश दूंगा कि अपने पत्नी के चलते अपने एक भगत की बेटा का संहार करके आ रहा हूं, यही जवाब दूंगा लोगों को, संदेश यही दूंगा, दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे। कलन भगवान की विभीषण तूने तो अनर्थ करवा दिया, तूने अनर्थ करवा दिया, पहले कुछ नहीं बताया, तो लो जो करवाना था वो तो करवा दिया, फेंक दिया धनुष्मान भगवान। बोल पड़े कि अब मैं लड़ाई नहीं कर सकता, सीता जी चले, सीता जी चले या यही लंके में रह जाए, लेकिन अब हमसे लड़ाई ना हुई विभीषण। अरे बाप, जब इतनी बात भगवान कहले ना, दौड़ के जाके विभीषण भगवान के धनुष बाण उठा के रोए लगलन, पुक्का फार के छाती फार के और हाथ जोड़ के कलन कि प्रभु अगर तू लड़ाई ना करवा तो का हमर बेटवा जी जाई, हमर बेटवा तो मर गल, हमर बेटवा अपने वादा पर अपने फर्ज पर अड़िग रहल, हमके ही दुख ना बाके हमार बेटा मर गई। प्रभु एक काम करा, अगर ना लड़ाई करवा तो जेकरे खातिर तू लंका शमशान बना दियला, जेकरे खातिर लंका के सारा वीर मार दियल गईलन, वह तभी जिंदा बा। तो दुनिया में जाके का संदेश देबा कि जेकरे खातिर हम पूरा लंका के शमशान बना दियली, अपने भगत के बेटा के मार दियली, लेकिन असली वीर के सीता जी के छोड़ के आवत है। लोग का कहिए ना, प्रभु जिसके लिए आपने ये मिशन शुरू किया है, लड़ाई शुरू किया है, अभी वही तो बाकी है। भगवान के विभीषण समझावत हूं, का समझा के कहलन, कहलन है का विभीषण समझौलन, भैया दो मिनट का समझौलन है कि कहलन विभीषण जिंदा हो सब कुछ कैला, जिंदा तू सुमार रावण के कैदा, रावण के कैदा भंडा फोर सुगम अध जल में नवरिया के छोड़ी सुगम। पुरुषोत्तम राम के विभीषण के कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोबारा धनुष बाण उठाए लंका में, और दोबारा धनुष बाण उठा करके रावण का वध किए, रावण के वध करके लंका का राज तिलक उसी विभीषण को दे करके माता सीता जनक नंदनी और छोटा भाई लक्ष्मण को लेकर के अवध की नगरी को प्रस्थान कर गए। गाने का अंतिम प्रमाण था, ठीक लागल भैया? तो कवि जी भाव दे, ऐसे बड़ दौलत का बा, ये दौलत है, ये इनाम है, ये पैसा है गवैयन खातिर। गायक गाना गौलस आपके अगर अच्छा लग गई तो सबसे बड़ा गवैया के दौलत हो गई, एकरा से बढ़ के पैसा कौड़ी ना बा। गाना के अंतिम प्रमाण, बहुत बहुत प्रणाम।
जय जखार गुरु जत्तू लौटन लालता स्वरण में बोले श्री नारायण गंगा सागर मितवा जय जय बोले। अरे उमरिया मारी बागी बबुआ लिखता ओम प्रकाश नई नई लगदरिया हो उमरिया।